एक बात समझ से परे है कि हमारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। क्या हम सभी कानूनों की धज्जियां उड़ाने में अपनी शान समझते हैं? ये विडंबना है। हमारे समाज में वीआईपी कल्चर कूट कूट कर भर गया है। सही जगह अपनी गाड़ी पार्क करने में हम इसे शान के खिलाफ समझते हैं। सड़क के किनारे बेढंग तरीके से पार्क की गई गाड़ियां टू व्हीलर जाम का सबब बनते हैं और हमारे अधिकारी निर्देश देकर अपने आरामदायक गर्म कमरे में सर्दी के दिनों में चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। चलिए बात करते हैं रेशम घर कॉलोनी की, जहां लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें आमतौर पर लगी रहती हैं। एक तरफ एम्बुलेंसेस की लाइन तो दूसरी तरफ कारें। सड़क सिकुड़कर कुछ फुट ही बच जाती है, जहां से अन्य वाहन बड़ी बमुश्किल पास होते हैं। सरकारी अस्पताल की अपनी पार्किंग है, तो एम्बुलेंस का यहां पार्क होना सवाल खड़े करता है। और इन्हीं में से कुछ गाड़ियां डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के तामीरदारों की होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कॉलोनी में रहने वाले आने जाने वाले को कितनी परेशानी होगी। अगर बात करें ट्रैफिक विभाग की, तो उसे सिर्फ चालान काटने से फुर्सत नहीं। यहाँ क्यों ट्रैफिक कानून गायब हो जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है, आप समझ गए होंगे। उम्मीद है एसएसपी ट्रैफिक जरूर इस इलाके में अपने कदम रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अव्यवस्थित सड़क के किनारे खड़े इन वाहनों से जनता को छुटकारा दिलाएंगे। वहीं जम्मू जिला प्रशासन का यहां पूरा पूरा फेलियर है कि अभी तक सही ढंग से शहर में पार्किंग स्पेस की सुविधा उपलब्ध ही नहीं कराई गई है। आश्वासन, घोषणाएं, वादों की टॉफियां जनता को खिलाकर सारे अफसरशाह आराम फरमा रहे हैं। अभी आपने कुछ दृश्य देखे होंगे। जी हाँ, एम्बुलेंस गाड़ियों की कतारें जो हैं वो खड़ी हुई आपको नजर आई होंगी और ये दृश्य थे रेशमगढ़ कॉलोनी के। आपको बता दें कि रेशमगढ़ कॉलोनी में जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक तरफ सिर्फ एम्बुलेंसेस दिखेंगी, गाड़ियां दिखेंगी। ये एम्बुलेंसेस समझ आती हैं कि जीएमसी की हैं, पर जीएमसी के पास जब अपनी पार्किंग है तो यहां पर इन्हें खड़ा करने का क्या मकसद है। और गाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये गाड़ियां डॉक्टर्स और यहां पर जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके कुछ रिलेटिव्स की भी मानी जा रही हैं, परंतु यहां के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब यहां के ही कुछ लोगों ने ट्रैफिक विभाग के कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से इन्हें एक कोरा जवाब दे दिया गया। पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हम रॉन्ग साइड पार्किंग करते हैं या हम कुछ भी गलती करते हैं सड़क पर, तो ट्रैफिक विभाग के कर्मी हमारा चालान काटते हैं। तो यहाँ पर इन गाड़ियों का और इन एम्बुलेंसेस का चालान क्यों नहीं काटा जा रहा? चलिए यहाँ के कुछ स्थानिक नागरिकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें यहाँ पर इन गाड़ियों से क्या दिक्कतें आती हैं और ट्रैफिक विभाग की तरफ से इन्हें क्या हरासमेंट देखने को मिलती है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आपका नाम। नमस्ते, मेरा नाम रमणीक शर्मा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, मीडिया का, जो ये आवाज़ जो पहुंचा रहे हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक। आज सुबह का ही वाक्य है, अभी कोई एक घंटे पहले का। मैं अपनी घर से निकला, यहाँ रेशमगढ़ का ही निवासी हूँ मैं, अपने घर से निकला और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। तो ये 100 मीटर का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और मुझे यहाँ कोई 15 मिनट लग गए यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए, और मुझे घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए 5 मिनट लगते हैं। तो 15 मिनट मेरे को सिर्फ यहीं पे लग गए। जब मैंने ये सारी बातचीत, मैंने सोचा इनसे ट्रैफिक वालों से पूछता हूँ, ये मेन ट्रैफिक बूथ है यहाँ महेशपुरा का, तो इनसे बातचीत की जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या आज यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है या कोई आने वाला है रोड का निरीक्षण करने, या कुछ ग्राउंड है साथ में या इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर कोई आने वाला है, उद्घाटन है उसका। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और ये बोल रहे हैं कि ये कोई मीटिंग चल रही है जीएमसी में। जीएमसी इस रोड से बिल्कुल ही अलग तरफ है और मीटिंग वहाँ चल रही है। जीएमसी की पार्किंग है, जीएमसी के सामने टीबी हॉस्पिटल है उसकी भी पार्किंग है, लेकिन गाड़ियाँ हमारी मोहल्ले की तरफ यहाँ खड़ी हुई हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर किसी से लगी कैसे गाड़ियाँ, आपने रोका नहीं किसी को? तो इनका कहना है कि आप कौन हो, मतलब कि आपके बाप का क्या जा रहा है, आप कौन होते हो पूछने वाले।
आप, मैंने बोला सर मैं एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, मेरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे दिक्कत मेरे को आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ, कई लोगों को दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल है साथ में साइकियाट्रिस्ट, वहाँ पे जाना है, किसी की इमरजेंसी हो सकती है, उन लोगों को दिक्कत आ रही है, वो इमरजेंसी के बोल नहीं सकते, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि आप कौन होते हो, आपने जिसका फ़ोन करवाना करवा लो। मतलब कि ये साफ तौर पे धमकी जो है आपको दी गई है कि आपने जिसका फ़ोन करवाना है करवा लीजिए। परंतु ये भी एक सवाल बनता है ना कि जब ये लोग चलान काटने के लिए आते हैं तब ये किसी की बात नहीं सुनते हैं और इस तरीके से लोगों को जो हरास करने में समर्थन किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो वाक्य है, सरदार जी हैं महेशपुरा में, ये अभी वो कहीं छुप गए हैं, ये उनके साथ मेरा हुआ और उन्होंने ही बदतमीजी की। अब देखिए ये जो आम, जैसे आम जनता की बात आए, जब ये चलान काटने में आते हैं तब आम जनता को कितना हरास करते हैं ये, और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसलिए नहीं ये बोल रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, डॉक्टर्स की लगी हुई हैं, आगे लिखा हुआ है डॉक्टर, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आम जनता को आप परेशान करोगे, दूसरी तरफ आप बड़े लोगों को आप वो दोगे, छूट दोगे, रूल तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ना, तो ये तो नाइंसाफ़ी है बिल्कुल भी जी। आपसे भी बात करना चाहूँगी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नाइंसाफ़ी, बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जो लोग जिनको अपने काम पर जाना है, अपने जॉब्स पर जाना है या पढ़ने के लिए जाना है, उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, कई सारे परेशानियाँ आती हैं। हम देखते हैं कि ट्रैफिक विभाग की तरफ से कई कदम उठाए जाते हैं, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, पर इस तरीके से एक मोहल्ले के बीच में रॉन्ग साइड पार्किंग जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मोहल्ले में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रकार के गंभीर विषय को सरकार की नज़रों में ला रहे हैं, जो कि सरकार के लिए एक बहुत अछूता विषय है। हम अक्सर देखते हैं कि विभिन्न विषयों के ऊपर राजनीति की जाती है, परंतु जो मूलभूत विषय हैं, जो लोगों की रोज़मर्रा के साथ जुड़े हुए विषय हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है ये। पार्किंग का विषय आज पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कहें या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र जो है उसके अंदर हम कहें, पार्किंग का विषय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हो, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ हो, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हो, इन सब में पार्किंग का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बन के निकल रहा है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कमर्शियली अप्रूव कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा विदाउट इवन लुकिंग इन टू द कंसिडरेशन विच आर विदाउट इवन लुकिंग इन टू द प्रोविजन्स दैट आर मैंडेटरी फॉर पासिंग अ कमर्शियल मैप, है ना। हम देखते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस पास हैं, लेकिन उनके पास, उन्होंने 1,00,000 स्क्वायर फीट का एरिया का कॉम्प्लेक्स पास कराया, उनके पास पार्किंग आप पूछेंगे तो 1,000 स्क्वायर फीट की पार्किंग नहीं है, और उस चीज़ के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं लोग करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कोई जिस अफसर ने पैसे खाए होंगे, मुझे माफ़ करेंगे वो लोग जो इस चीज़ को सुन रहे हैं और ये सोचेंगे कि उनके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन शर्म से कहना पड़ता है कि कुछ अफसर पैसे खाते हैं, उनका तबादला होता है, दूसरे अफसर आके उस जगह को सील कर जाते हैं, लोगों के पैसे को उन्होंने समझाया कि बेवकूफ़ हैं लोग, एक अफसर को देंगे दूसरा अफसर को नहीं देंगे तो हम वो प्रॉपर्टी सील कर देंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा JMC का पीला पंजा चलता है, कहाँ कहाँ पर चलता है जी, आपका कैफबेरी में चलता है, जब वो पिछले 5 सालों से चल रहा था तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तब आंखें बंद थी। कोई अफसर दूसरा आया होगा, उसको लगा नहीं जी मेरा हिस्सा नहीं पहुंचा, मैं उन्हें माफ़ी मांगूंगा, इल्ज़ाम नहीं है परंतु ये एक सच है जो हमें पीना पड़ेगा। उसके बाद कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जहाँ पे ग्राउंड एरिया पार्किंग का है, लेकिन वहाँ पर चल क्या रहे हैं, बड़े बड़े जिम्स चल रहे हैं जी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं जी। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर हम रेंटल अकोमोडेशन भी शुरू कर चुके हैं, जम्मू के बहुत सारे लोग रेंटल अकोमोडेशन शुरू कर चुके हैं। जम्मू में आपके पास एक घर के अंदर एक फैमिली की गाड़ी लगाने की पार्किंग है, उसी जगह पर आप देखते हैं कि क्या है, उस घर के अंदर 6 फैमिलीज रह रही हैं, गाड़ी एक है, 6 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं, 6 गाड़ियाँ लगती हैं। आप रेंटल अकोमोडेशन के ऊपर अगर सरकार को रेवेन्यू मॉडल भी कहेंगे, सरकार हम की पार्किंग कहाँ से लाएँ, पैसे कहाँ से लाएँ, आप रेवेन्यू रखिए ना, आप मार्केशन कीजिए पार्किंग की, आपके 4 लोगों की 10 लोगों की 50 लोगों की 100 लोगों की रोजगारी बनेगी उस आधार पर। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसको बड़े गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जो इस प्रकार के छोटे छोटे समस्याएं हैं, इसमें ही नौकरियां भी छुपी हैं, इसी में रेवेन्यू भी छुपा है, इसी में लोगों की सहूलियत भी छुपी है। एक तीर मारेंगे आपके 5 निशाने साधे जाएंगे, बेरोजगारी का निशाना रहेगा उसमें,
आप 100 लोगों को तो रोजगार देंगे, अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देंगे, पर्ची तो काट सकेंगे, गाड़ी ठीक से लगा तो सकेंगे, आपको वहाँ से चार पैसे भी तो आएंगे, आप ठेका करेंगे उस चीज़ का। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। ये पार्किंग की समस्या छोटी नहीं है, आज जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये हम देखते हैं, बड़े बड़े बाज़ार हैं, उन बाज़ारों के अंदर हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों के लिए एक पार्किंग नहीं है। आज म्यूनसिपैलिटी बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, उन्होंने अच्छे अच्छे मल्टी लेयर पार्किंग्स जो हैं, हम नहीं बढ़ रहे, डायगनली नहीं बढ़ रहे हैं, हम वर्टिकली अब बढ़ रहे हैं। तो वो एक अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। उसी ओर मुझे लगता है हमें हर क्षेत्र को, हर वार्ड को जो है वो बढ़ाना चाहिए। हर वार्ड पे थोड़ी जगह नियुक्त करके वहाँ पे 200-250 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो एक डेवलप करनी चाहिए, ताकि सरकार का एक रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट हो सके, 10 लड़कों को रोज़गार भी मिल सके, 10 लोगों को, 10 युवाओं को रोज़गार भी मिल सके, और लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है गाड़ियों के कारण, ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी ना सहनी पड़े। नहीं तो हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो रास्ते में ही अपना दम तोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, एम्बुलेंसेज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रैफिक के अंदर उलझे हुए हैं। क्यों? कि किसी ने रॉन्ग पार्किंग लगा दी है, बोल कुछ नहीं पाएंगे, लड़ाई का घर है, क्राइम बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इट इज़ अ मल्टी लिंक्ड थिंग, एक चेन ऑफ इवेंट्स बनता है। रॉन्ग पार्किंग करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, क्राइम हो जाएगा। अगर वही हम लोग उनको एक प्रोविज़न दे देंगे, ना क्राइम बढ़ेगा, ना पुलिस की मशीनरी का एक्स्ट्रा रोल वहाँ बढ़ेगा, पुलिस अपना काम बड़े अच्छे से, पुख्ता तरीके से कर पाएगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कोशिश की जाए कि यहाँ पर जो ये पार्किंग, यानी कि जो रॉन्ग साइड पार्किंग लगाई गई है, उसे ख़त्म करने के कदम उठाए जाए। अगर नहीं ऐसा किया जाता तो भाई सवाल जो है ट्रैफिक विभाग के कर्मियों पर भी उठते हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी उठते हैं, और साथ ही साथ जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर भी उठते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये बड़े बड़े अफसर जो हैं कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी दिखाने के लिए आम लोगों को जो है सफ़र करवाते हुए नज़र आते हैं। ये हमारी एक खास रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लोगों को जो है रॉन्ग साइड पार्किंग और बाकी अन्य वजहों से जो है हैरास होना पड़ रहा है। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।